कमलनाथ ने किसानों के हित में पांच बड़ी घोषणाएं की, जिसके आधार पर ही कांग्रेस चुनावी मैदानों में उतर रही है। कमलनाथ के वादों पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि चुनाव आने के साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ को किसान याद आ रहे हैं, जबकि 15 महीने सरकार में रहते किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि जनता कमल खिलाने के लिए तैयार है, इसलिए भाजपा के कार्यक्रमों में जनता उमड़ रही है। सबने संकल्प लिया है कि कमल खिलाएंगे और केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार लाएंगे। इससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ना तो मुख्यमंत्री बदला ना ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हुआ। ऐसे पलटू राहुल गांधी से तो मेरा सवाल है कि किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया और कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधवा पेंशन और बेरोजगारी भत्ते पर कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि आपने किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी धोखा दिया। आपने सहकारिता समूह का कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन किसी एक का भी नहीं किया। आपने वृद्धों, विधवाओं और निराश्रितों के साथ धोखा किया। उन्हें 1,000 रुपए पेंशन देने की बात कही थी, लेकिन 15 महीने की सरकार में वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देने की बात कही थी, घर घर जाकर फॉर्म भरवाए, लेकिन भत्ता नहीं दिया, इसलिए जनता ने आपको धक्का दिया। कमल खिलाने के लिए तैयार है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जनता उमड़ रही है और सबने संकल्प लिया है कि हम कमल खिलाएंगे, प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे। इससे बौखला गई है कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को अब फिर किसान याद आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने किसानों के साथ छल किया, सरकार बनाने के लिए आपने 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, राहुल गांधी ने कहा था, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने रहे, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया बल्कि किसानों को बर्बाद कर दिया, उनको कर्ज के ऊपर धकेल दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज जी को, जिन्होंने आपके कारण जो किसान कर्ज में डूब गए थे उनका ब्याज भर के उनको रेगुलर किया। 2129 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। तुमने धोखा दिया किसानों को, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने सहसाता समूह का कर्जा माफ करने का कहा, एक का नहीं किया। तुमने वृद्धों को नहीं छोड़ा, दिव्यांग को नहीं छोड़ा, विधवाओं को नहीं छोड़ा, उनसे कहा था 1,000 पेंशन करेंगे, नहीं दिया। 15 महीने रहे, 1 रुपया नहीं दिया। दैनिक वेतन भोगी को एक को रेगुलर नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने बेरोजगारों से कहा था कि 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वचन देते हैं, कसम खाते हैं, घर घर जाके फॉर्म भरवाए, लेकिन तुमने एक बेरोजगार का रोजगार नहीं दिया, ना 1 रुपया भत्ता दिया, और इसलिए जनता ने तुमको धक्का दिया, फिर तुम धोखा देने के लिए आ गए हो। मैं पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान कर रहा हूँ कृषि मंत्री के नाते कि घोर किसान विरोधी है कमलनाथ कांग्रेस। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा तो माफ नहीं किया बल्कि कर्ज में डूबा दिया। किसानों का जो फसल का बीमा मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, वो तुमने कम कर दिया। तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया ताकि बीमा के प्रीमियम ना भरना पड़े। 15 महीने सरकार में रहे, 1 रुपया बीमा नहीं भरा, बोले पैसे ही नहीं है। धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज जी को, जिन्होंने तत्काल 7 दिन के अंदर पैसा जमा करके हमने 1,000 करोड़ किसानों को बीमा दिया। वो 10,000 करोड़ मिलता हमने 8,000 दिया, क्योंकि तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75 किया। हमने आते से ही 50-100% किया इसके अलावा फाइनेंस, जिससे किसानों को बीमा मिल रहा है। हमने आदिवासियों को भी, वन ग्राम के लोगों को भी बीमा कराया किसानों का। तुम किसान अगर गरीबों के हित से होते, आदिवासी हित से, तो वन ग्राम का बीमा करना था, नहीं क्या? कांग्रेस की सरकार थी 50-55 साल राज के, तुमने बीमा नहीं दिया, तुमने केसीसी नहीं दिए, तुमने तो किसानों को जमीनें बिकवा दी, और इसलिए तुम्हारे बहकाव में अब किसान आने वाले नहीं है। तुम कितने ही वचन दे दो, वादे कर लो, अब जनता तुम्हारे ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है कमलनाथ, और इसलिए तुम्हारा सफाया होगा। कितने ही झूठ बोलो, अब कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम झूठे हो, वादा खिलाफी करने वाले हो। तुमने तो राम जी का वचन था उसको भी झूठा सिद्ध करवा दिया कि वचन देते हैं 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया, और इसलिए अब जनता तुम्हारे वचन में आने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।